अब इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड करना सीखेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें sin x upon x की at x is equal to 0 पर लिमिट फाइंड करनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि हम इसे देखें तो ये जो गिवन फंक्शन है वह x is equal to 0 पर हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मिल रहा है। अब यदि ये रैशनल फंक्शन होता तो इसे हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते थे, सिंस इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हम सैंडविच थ्योरम में ये पढ़ चुके हैं कि जो sin x upon x है वह दो फंक्शंस 1 एंड cos x के बीच में सैंडविच होता है। अब यदि हम इस गिवन इनइक्वलिटी में x टेंड्स टू 0 लिमिट अप्लाई करें तो यह इनइक्वलिटी कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब यदि हम लिमिट को अप्लाई करें तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी एंड इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। दैट मींस जो इनइक्वलिटी है वह इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x की वैल्यू 1 से छोटी भी है एंड 1 से बड़ी भी है। अब ऐसा कब होता है? ऐसा तभी पॉसिबल होता है जबकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो। दैट मींस हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो अब आप देख सकते हो कि हमने सैंडविच थ्योरम का यूज करके उस फंक्शन की लिमिट भी फाइंड कर ली है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। अब जो रिजल्ट हमें ये मिला है वह आपको डायरेक्ट ही याद रखना है क्योंकि यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे कि आप आगे डायरेक्ट ही अप्लाई करोगे। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमें 1 cos x upon x गिवन है और हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है एट x is equal to 0। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है एट x is equal to 0। तो यदि हम इस फंक्शन को देखें तो गिवन फंक्शन x is equal to 0 पर 0.0 की फॉर्म में है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आप यहां से देखो तो न्यूमरेटर में है 1 cos x। अब हम यदि यहां cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि जो 1 cos 2x है वह 2 sin square x के इक्वल होता है। अब सिंस क्वेश्चन में 2x की जगह x है तो 1 cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin square x by 2। अब यदि हम न्यूमरेटर में sin square x by 2 को स्प्लिट करके लिखते तो यह कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हम पढ़ चुके हैं कि यदि कोई हमें दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है और हमें उनके लिए किसी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करनी है, देन इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड करें एट गिवन पॉइंट इनटू सेकंड फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड करें एट गिवन पॉइंट। तो जब हम इस रूल को यहां अप्लाई करेंगे तो हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यदि आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो उसके न्यूमरेटर में है 2 sin x by 2 एंड डिनोमिनेटर में है x। तो जो न्यूमरेटर में 2 है उसे यदि हम डिनोमिनेटर में ले आए तो इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ कि यदि आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो इसको हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x की वैल्यू 1 होती है। बस फर्क इतना है कि वहां x की जगह x by 2 है, तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं एंड सेकंड वाले की वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगी। एंड यदि हम फाइनल आंसर की बात करें तो वह हमें 0 के इक्वल मिलेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos x अपॉन x की वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिली है। यह भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अभी तक क्या क्या सीखा? कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 cos x अपॉन x की वैल्यू भी 0 होती है।